तो यह है हमारा ब्लॉक पोखड़ा और यहाँ नीचे ग्राउंड है। भीड़ तो है भाई कमाणी मार्केट में। तो अभी सुबह के 8:30 बजने वाले हैं और तैयारी है आज के सफर की। आज हम जाने वाले हैं सड़खाल मार्केट, उसके बाद जाएंगे बिजोरा पानी और वहाँ से आएंगे अपने घर। तो आज बहुत ही लंबा सफ़र होने वाला है, ऊपर साइड चौबट्टा खाल से चलेंगे। चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम अंकित नेगी और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आप पहाड़ों का मौसम देखिए, बहुत अच्छी धूप आ रखी है, बाकी पहाड़ों पे धुंध लगी हुई है और मौसम बिल्कुल साफ है। यह है देवराज खाल मार्केट और सामने है इंटर कॉलेज देवराज खाल। तो अभी हम चौबट्टा खाल मार्केट पहुंच चुके हैं और यहां से हम तेल भरवाएंगे गाड़ी में, उसके बाद निकलेंगे सड़खाल मार्केट के लिए। चौबट्टा खाल 1800 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई। तो अभी हम निकल चुके हैं चौबट्टा खाल मार्केट से और मौसम बड़ा ही ठंडा है भाई। जहाँ पे ना छाव है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, हाथ सुन हो रहे हैं। और हमको जाना है इस वाले रास्ते से गवानी होते हुए चरगाड़ चोपड़ा लूठा सिरक और सड़खाल, फिर जाएंगे वहाँ से पोखड़ा और उसके बाद बिजरा पानी, वहाँ से घूम के आएंगे संगलाकोटी मार्केट में। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। तो अभी हम हैं पंचवटी में और गवानी यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। आगे वाली रोड जा रही है देवराज खाल के लिए, यह है पंचवटी। अभी हम प्रेमनगर में जो कि चमना सोनडल का एक मोहल्ला है, दोनों एक ही ग्राम सभा है। यहाँ पे भी कुछ परिवार है। माल्टे देखिए आप, बहुत सारे माल्टे लगे हुए हैं पेड़ों पे और यहाँ पे जूस भी मिलता है इस वाले घर में। जय माँ दीबा। परसों यहाँ ऊपर महिला पे गुलदार ने हमला किया था ऊपर खेतों में, वो घास काट रही थी। हाँ, यहीं पे ऊपर डेयरी भी है उसी के सामने आसपास। तो यहाँ से लेता हमना सोनल से लेके और ठीक किलवास तक बीच में बहुत ही भयंकर जंगल टाइप का है, जंगल नहीं बोलेंगे लेकिन बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी हैं उस साइड को। और ठीक है, ऊपर चौबट्टा खाल मार्केट है और यहाँ देखिए आप, ये देखिए इधर देखिए कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी हैं। ये गुलदार का अड्डा है मतलब। ये है कोलखंडी का यात्री सेट और यहाँ नीचे कोलखंडी का है, बाकी यहाँ पे है मझगांव। ठीक सामने है कुई गांव, यहाँ ऊपर है मझगांव। यहाँ सामने है भरतपुर गांव और ये है कोलखंडी, इधर नौलू डबरा। और अब पहुँचने वाले हैं किलवास गांव में। ये वाला गांव तो पूरा खाली हो चुका है, जहाँ पे 4-5 परिवार रहते हैं, रहते थे मतलब। और ये महिलाएं आ चुकी हैं घास काटने के लिए। तो यहाँ से जा रखी है ऊपर रोड किमगढ़ी गांव के लिए। यहाँ नीचे है मसलाट नदी और हम पहुंचने वाले हैं गवाणी मार्केट में। भीड़ तो है भाई गवाणी मार्केट में। और यहाँ ऊपर है गवाणी गांव। तो ये सामने वाला गांव है चोपड़ा और वो उधर वाला गांव है चरगाड़। और ठीक यहाँ ऊपर है कुटिया खाल के स्कूल। अभी हम चोपड़ा गांव के नीचे से जा रहे हैं, बहुत ही बड़ा गांव है, उस साइड से दिखाएंगे आपको पूरा चोपड़ा गांव। ये है चरगाट बाजार और इसके ऊपर है चरगाट गांव। यहां से लेके और यहां तक ठीक ठाक गांव है, यहां
यहाँ से रास्ता जा रखा है ऊपर साइड को चोपड़ा गांव की, और यहाँ नीचे है छोटी सी नदी जो कि ऊपर पहाड़ों से निकल के आती है। यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है। अभी हम चरगाड़ मार्केट में, अभी हम सिरकोट गांव के सामने पहुंच चुके हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं लूठा गांव में, और लूठा गांव यहां से लेके और यहां तक पूरा फैला हुआ है। तो जो गांव है वो इस साइड को है। ये है लूठा गांव, ग्राम सभा लूठा। तो अभी हम हैं लूठा गांव में, आप देख सकते हो ये भी काफी अच्छा गांव है और काफी बड़ा गांव है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सिलेत गांव के सामने, और इस जगह का नाम है लियाखाल। यहां पे इंटर कॉलेज है लियाखाल, और कुछ घर हैं यहां पे सिलेत गांव के, और यहां से रास्ता गया है सिलेत गांव के लिए। पहुंच चुके हैं सेड़ाखाल मार्केट में, और यह है मार्केट, यहां से शुरू होता है। थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा पाऊंगा। यहाँ सामने है गाट की बीणा, और इस साइड को है धार की बीणा, और यहाँ ऊपर है मल्ल बीणा। तो आप सामने देख सकते हो बहुत सारे मतलब पॉली हाउस भी लगे हुए हैं, और वहाँ पे होती है कीवी की खेती, वहाँ पे बहुत सारे कीवी के पौधे लगा रखे हैं। ये है ढोंडलुक बीणा, यहाँ जो कास्ट के लोग रहते हैं वो ढोंडल है। शहीद सुशील कुमार ढोंडियाल, अच्छा यहाँ पे उनकी मूर्ति लगी हुई है। पहुंच चुके हैं बीणा मल्ला में, बीणा मल्ली। गांव यहाँ ऊपर साइड को है, और जैसा लूठा गांव है वैसे ही बीणा मल्ला गांव भी है, आपको उस साइड से देखने को मिलेगा। यह है बीणा मल्ली गांव। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं पोखड़ा, जो कि हमारा ब्लॉक है, और ब्लॉक भी यहाँ सामने ही है। यहाँ पे रोडवेज लगी हुई है जो कि जाएगी यहाँ से 12 बजे और डायरेक्ट जाएगी दिल्ली के लिए। अभी हम जा रहे हैं नीचे, ब्लॉक नया ब्लॉक बन रहा है, नई बिल्डिंगें बन रही है वहाँ पे, उसको देखने के लिए, और साथ में चाय पी के भी आएंगे। तो पहले आरटीआई के जो आरटीआई कॉलेज था वो ये था, ऐसा सुना है मैंने। यहाँ नीचे जो ये तीन साइड दिख रहे हैं आपको, यहाँ नीचे इंटर कॉलेज भी है, इंटर कॉलेज पोखड़ा। ये सारी पुरानी स्कूलें हैं जो कि अब बंद हो चुकी हैं। तो ये है हमारा ब्लॉक पोखड़ा, और यहाँ नीचे ग्राउंड है, इंटर कॉलेज है यहाँ पे, और जो मार्केट है वो इस साइड को है। नई बिल्डिंगें बन रही हैं यहाँ पे ब्लॉक की। तो यहाँ पे ऊपर कार्यालय है खंड विकास अधिकारी, विकासखंड पोखड़ा। सामने फॉरेस्ट वालों का ऑफिस है। अब तैयारी है साला कोठी मार्केट जाने की, चाय भी पी ली हमने, और ये बस जाएगी अब कोटदार 12:30 यहाँ से निकलेगी। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं गिरौली धार में, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे साइड को है पोखड़ा गांव। पंजाब नेशनल बैंक,
कृपया इसे स्वच्छ एवं सुरक्षित रखें। वाह, यहाँ नीचे कोखड़ा गांव, आईटीआई कॉलेज कोखड़ा, और ऊपर ढाबा है कोखड़ा बैंड बोलते हैं इसे, इस जगह का नाम कोखड़ा बैंड है। ऊपर सरकारी हॉस्टल है और यहाँ पे है पावर हाउस कोखड़ा, और ये हमारा नीचे कॉलेज है पूरा यहाँ तक। ये है पोखड़ा बैंड, हमको जाना है नीचे वाले रास्ते से। यहाँ ऊपर सारे होटल है, बहुत समोसे खा रखे हमने इस होटल में। तो ऊपर रोड जा रखी है बैज रोड, थैलीसैंड, सेंगार, बेदीखाल। अभी हम पहुंच चुके हैं मेल गांव में, बहुत ही बड़ा गांव है मेल गांव। अभी यहाँ ऊपर साइड को है पूरा गांव और सामने है कोखड़ा गांव। यह है मेल गांव। यहाँ से ऊपर रोड जा रखी है चलकुड़िया गांव के लिए, मडगल, मसमोली और सकनोली खाल के लिए। सामने का नजारा कुछ ऐसा, आगे विश्वविद्यालय है। तो ये है देवराड़ी देवी, इस जगह का नाम है, यहाँ पे मंदिर भी है। तो हम पहुंचने वाले हैं बिजरा पानी मार्केट में, और यहाँ पर है घंडियाल गांव। यह है सामने बिजरा पानी मार्केट, बहुत पुराना मार्केट है और अब ठप पड़ चुका है, बहुत कम लोग आते हैं इस मार्केट में। यहाँ से आगे रोड जा रखी है सालाकोटी के लिए, और यहाँ से जा रखी है ऊपर कुंजखाल सैंधार के लिए, और ये वाली जा रखी है नीचे पोखड़ा गवानी, और ऊपर साइड को बैजरो के लिए। तो अब हम निकल चुके हैं बिजरा पानी मार्केट से, और कोटदार यहाँ से 94 किलोमीटर, सतपुली 40 और पौड़ी है 88 किलोमीटर। यहाँ से ऊपर रोड जा रखी है बांसी गांव के लिए, बांसी तल्ला मल्ला गांव के लिए, और हम पहुँचने वाले हैं जूनीसेरा में। यहाँ ऊपर है बांसी गांव, इस पहाड़ के उस साइड को। और ये सामने जो गांव दिखाई दे रहा है ये है मैल गांव, मैल गांव तल्ला मल्ला, और ये वाला गांव है गोल्ला, गोल्ला मैल गांव। हमको अभी वहीं जाना है ऊपर। यहाँ से पंपिंग योजना भी है जूनीसेरा वाली, जिसका पानी बहुत सारे गांव में जाता है। यहाँ पे एक दुकान है, और यहाँ से रास्ता जा रखा है ऊपर बांसी तल्ला और मल्ला गांव के लिए। तो बांसी तल्ला यहाँ पे है और मल्ला ऊपर। तो यहाँ ऊपर है नरसिया गांव, और सामने है कुडलखिल। यहाँ से रास्ता गया है नरसिया गांव के लिए, यहाँ से होगा 500 मीटर ऊपर, और ये उसका यात्री शेड है ग्राम नरसिया। यहाँ से रास्ता जा रखा है ऊपर गुडलखिल गांव के लिए, और यहाँ से होगा 400-500 मीटर ऊपर गुडलखिल। और सामने है हमारा गांव गोरगांव, यहाँ से लेके और ठीक ऊपर तक फैला हुआ है पूरा, 5 मोहल्ले हैं हमारे गांव में। लास्ट वाला मोहल्ला है ये वाला थौलबड़ी, और यहाँ नीचे हमारे खेत हैं नदी के किनारे, सेरा बोलते हैं और हमारी भाषा में शियार बोलते हैं, और नीचे है मसलाट नदी। हमको जाना है ठीक यहाँ ऊपर कुंडिल में, ये कुंडिल है, ये दिख रहा है जो आपको, ये सीमी गांव का यात्री शेड, और ये है माधव सीमी का। ये है माल्टे, ये माल्टे ला रखे हमने।